हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। देखो, इस वीडियो में बात होगी हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक गारसा दत्तात्रेय हैं, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तत्वार दाला लिटरेत्यूर एंदुए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। अब यहाँ से तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है? तो गरसा दत्तात्रेय हैं। इनकी भाषा कैसी थी? तो फ्रेंच भाषा थी। और इनके बुक का क्या नाम था? तो इस्तत्वार दाला लिटरेत्यूर एंदुए हिंदुस्तानी। ठीक है। जॉर्ज गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ लिखा। इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया? तो वो जॉर्ज गियर्सन ने किया। और इनकी बुक जो थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से किया। देखो, हिंदी का प्रथम व्याकरण मतलब ग्रामर जोशुआ कैटलर ने लिखा। ये पुर्तगाली थे। इन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी के समान ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी, जो 1715 के आसपास प्रकाशित हुई थी। इसका अनुवाद डच भाषा में डॉक्टर गियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। यहाँ से तीन क्वेश्चन यहाँ से भी निकल रहा है कि प्रथम व्याकरण कौन था हिंदी का, किसने लिखा था? तो जोशुआ कैटलर ने लिखा था। और इनकी जो बुक थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम हिंदुस्तानी ग्रामर था। और इसका जो अनुवाद हुआ था डच भाषा में, वो किसने किया था? डॉक्टर गियर्सन ने किया था अपनी ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, जो मूलतः नगरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। यहाँ देखो, क्वेश्चन ये बनेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो उसका सीधा सा आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। इनकी बुक का क्या नाम था? तो इनकी बुक का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखी गई थी? 1929 में लिखी गई थी। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखी गई थी। और ये क्वेश्चन ये वाला है जो घुमा के देता है कि कौन सी ऐसी बुक है जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। तो उस बुक का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया था और उसका नामकरण किया था, वो इस प्रकार है। जो प्रारंभिक काल था उसको इन्होंने आदिकाल कहा, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। और इसका काल मानते हैं संवत 1050 से 1375 तक। फिर पूर्व मध्य काल यानी कि जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, उसका संवत है 1375 से 1700 तक माना जाता है काल। फिर उत्तर मध्य काल यानी कि रीति काल संवत 1700 से 1900 तक। और लास्ट में आधुनिक काल जिसे गद्य काल भी कहा जाता है, संवत 1900 से 1984 तक। हालांकि ये अलग टॉपिक है, इसके अंदर भी इसके फर्दर डिवाइड हो जाएगा, ज्ञानश्रयी प्रेमाश्रयी। ठीक है। उसके बाद ये वाला भारतेंदु योग, उसके बाद द्विवेदी योग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। ठीक है, ये अलग टॉपिक हो जाएगा। फिर देखो, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। किस भाषा में? आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। स्क्रेच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडसिन ग्रेव्स। ये आधा बा है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? पादरी एडसिन ग्रेव्स। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है पादरी F.E.K. द्वारा।
ठीक है, पादरी एफिके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आता है एग्जाम में। नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1893 को, यानी कि 93 को। कहाँ हुई थी, वाराणसी में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह। ठीक है, यहीं से मतलब नगर प्रचारी सभा से ही हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन भी किया गया और इस शब्दकोश के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास थे। तो देखो अगर ये बस पूछे हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किसने किया, इस शब्दकोश के लेखक कौन है, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, और नगरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की, तो अगर ऑप्शंस में तीनों लोग हैं तो तीनों लोग को टिक मार दो, और नहीं तो सिर्फ अगर बाबू श्याम सुंदर दास हैं तो इनको टिक मारिए और आगे निकल लिए। फिर देखो अगला है, फोर्ट्स विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। फोर्ट्स विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी और इसे किया था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने। इस फोर्ट्स विलियम कॉलेज के जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉन गिलक्राइस्ट। फोर्ट्स विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट ने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं, पूछ लेगा डायरेक्ट क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो लल्लू लाल है। और लल्लू लाल का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका क्या नाम है, प्रेम सागर। क्या नाम है, प्रेम सागर। लल्लू लाल का ये प्रेम सागर हो गया। और उसके बाद सदल मिश्र का जो हो गया नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, सदल मिश्र अगर पूछा जाएगा कि इनका फेमस ग्रंथ कौन सा है तो नासिकेतोपाख्यान है, और ये ग्रंथ जो है खड़ी बोली की पहली रचना है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है, तो खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान है जो कि सदल मिश्र द्वारा लिखी गई है। खड़ी बोली में जो शब्द खड़ी है, मतलब खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो उसका सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र तथा जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। अगर दोनों ऑप्शंस में तो दोनों मारिए, नहीं तो अधिकांश सदल मिश्र मिलते हैं, इनको टिक मार दीजिए। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। इंशाअल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित्र भी कहा जाता है, इसकी भाषा पर उर्दू और अरबी फारसी का प्रभाव है। पहला क्वेश्चन, रानी की केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो इंशा अल्लाह खान है। रानी केतकी की कहानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उदयभान चरित्र के नाम से जाना जाता है। और इसकी भाषा पर किस भाषा का प्रभाव है, तो उर्दू फारसी और अरबी का प्रभाव है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुख सागर की रचना किसने की है, तो सदा सुख लाल ने की है। और सुख सागर का विषय क्या है, कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि भाई इसका विषय क्या है, तो इसका विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का नाम भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकृत किया, जो इस प्रकार है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पांच लोग हैं, इन पांच लोग को एकदम याद रखना है। ऐसे जो प्रारंभिक काल था तो अलग अलग विद्वानों ने उसे अलग अलग नाम दिया, जैसे डॉक्टर गियर्सन ने चरण काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, जैसे अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिजप्पन कहा, राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। मिश्र बंधु तीन लोग थे। ठीक है, अब देखो, हिंदी की पहले कवि कौन माने जाते हैं, हिंदी का पहला कवि जो है उसे उनको सरहप्पा मानते हैं। ठीक है, हिंदी का जो पहले कवि थे उनका क्या नाम था, सरहप्पा। अधिकांश इतिहासकार हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं, सरहप्पा को मानते हैं, है ना। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछे कि राम कुमार वर्मा हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं, तो उस केस में हो जाएगा स्वयंभू, और नहीं तो अगर जनरल पूछा जाए कि हिंदी का पहला कवि कौन है, तो आप मान दीजिएगा सरहप्पा को। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है, अमीर खुसरो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद ये एक और इम्पॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो बीसल देव रासों के जो रचयिता हैं वो नरपति नला हैं, है ना। फिर हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है, तो 14 ग्रंथों की रचना की है। और विद्यापति को अन्य किसी नाम से जाना जाता है, जैसे उनका अलग से क्या नाम था, जैसे आपका चिंटू मिंटू होगा, तो विद्यापति को जो है अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, तो उसका हो जाएगा विशिष्टावाद द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। फिर एक और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। और फिर भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो देखो, सर्वप्रथम जो है गियर्सन ने कहा था। वैसे भक्ति काल को हिंदी का स्वर युग माना जाता है। भक्ति काल को जो है दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे एक निर्गुण शाखा और एक हो गया सगुण शाखा। निर्गुण शाखा मतलब फिर से उसे डिवाइड कर दो तो ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, और सगुण को जो है फिर से डिवाइड कर दो तो रामाश्रय और कृष्णाश्रय। तो क्वेश्चन ये पूछता है, मेन ये पूछता है कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो जो प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास हैं, लेकिन कभी कभी अन्य कवियों के बारे में भी पूछ लेता है ऑप्शंस देके। तो उसमें हो जाएगा गुरु नानक देव, संत रैदास, दद्दू दयाल, मलुक दास, धर्मदास, सुंदर दास, ठीक है। तो ये लोग इंपॉर्टेंट कवि हैं किसके? ज्ञानश्री शाखा के। उसके बाद सतुकड़ी भाषा से आश्रय क्या है? सीधा क्वेश्चन पूछ देगा और 4 ऑप्शंस दे देगा। तो सतुकड़ी भाषा से जो आश्रय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसे क्या बोलेंगे? सतुकड़ी भाषा बोलते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये दोहा किसका है? मलुक दास का है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको आता है सीधे ऑप्शन से आप टिक मारेंगे और निकल लेंगे। फिर ये कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? तो कबीर दास के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम सूफी कवि हैं वो मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रथम कवि किसे माना है? तो हिंदी में प्रथम कवि जो है कुतुबन को माना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मधुमालती के जो रचनाकार है वो मंझन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मलिक मोहम्मद जैसी वाला तो कहने वाली बात ही नहीं है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इनके एग्जाम में 99% रहता है कि पूछेगा ही पूछेगा। मलिक मोहम्मद जैसी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह जैस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए उनको जैसी बोला जाता है। मोहम्मद जैसी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसला। और ये कितनी अच्छा हो गई ना, ये 6 हो गई, 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मत सोचिएगा कि एक ये पद्मावत को याद कर ले। हालांकि इनकी प्रसिद्धि जो है वो पद्मावत के कारण ही है ज़्यादा, लेकिन एग्जाम में ये 6 इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। अब ये देखिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहते हैं? तो तुलसीदास को कहते हैं। या एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि तुलसीदास का उपनाम क्या है? तो जातीय कवि है ना। वैराग संदीपनी के रचनाकार कौन है? वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। सुदामा चरित के लेखक कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, सुदामा चरित के लेखक नंददास हैं। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना नंददास ने की है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रास पंचाध्यायी के लेखक नंददास हैं, परंतु रहीम ने भी इसी नाम से एक काव्य की रचना की है। अब देखो, अगर तो रास पंचाध्यायी में लेखक पूछा, तो अगर ऑप्शंस में नंददास है तो फिर तो ठीक है भैया, अगर दोनों है तो भी ठीक है, लेकिन अगर नंददास नहीं है तो आप रहीम पे टिक मारिए और निकल लीजिए।
फिर अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का मलार किसकी कृति है? तो नाम से ही पता चल जा रहा है मीराबाई की है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? किसकी संस्थापना? रुद्र संप्रदाय की, विष्णु स्वामी ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 में हुई थी, और किसने की थी? विट्ठल नाथ ने की थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो 100-200 बार आ चुका है क्वेश्चन। छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है? छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को कहा जाता है। और ये जो रचना रामचंद्रिका है, ये किसने लिखी है? ये केशव ने लिखी है। उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में स्वयं अभिनय किया था। क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया है? तो उस नाटक का क्या नाम है? जानकी मंगल नाटक। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होगा। नवजागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो लाला सीताराम ने किया है। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके रचनाकार कौन है? हरिऔध है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है छायावाद। अगर आप छायावाद के बारे में थोड़ा सा भी पढ़े हैं, तो ये आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? ये कंफ्यूज कर सकता है अगर आप पढ़े नहीं हैं। हिंदी साहित्य में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है। और साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किस कवि का हुआ है? तो इन्हीं का हुआ है, निराला साहब का ही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्य धारा में देखने को मिलती है? तो प्रगतिवाद काव्य धारा में देखने को मिलती है। अभी देखिए, ये आजकल लेटेस्ट पूछ रहा है। प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद्र ने की थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में मुकुल राज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है, सॉरी आधुनिक युग की गीता कहा गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। शिव शंभू का चिट्ठा के लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त है। आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। ये सीधा सा क्वेश्चन है कि आनंद रघुनंदन हिंदी का जो है प्रथम मौलिक नाटक है, या ऐसे पूछ सकता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो आपका आंसर होगा आनंद रघुनंदन। फिर चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं, तो चंद्रगुप्त नाटक के पात्र, अगर आप चंद्रगुप्त नाटक पढ़े होंगे तब तो पता होगा, लेकिन जैसे ये कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो फेमस होते हैं, तो उसका एक पात्र है अलका, है ना। और जो चंद्रगुप्त नाटक की मेन नायिका का क्या नाम है? तो उसका नाम है कर्नेलिया। यहाँ पे रा की मात्रा लग जाएगी, कर्नेलिया है। ठीक है, फिर मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है, सबको पता होगा हिस्ट्री में, जिसके रचयिता विशाख दत्त है। इस नाटक के नायक का नाम, ये एक नया क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है कि इस नाटक के नायक का क्या नाम है, यानी कि हीरो का क्या नाम है? तो हीरो का नाम चाणक्य है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जो है रणधीर प्रेम मोहनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नहुष नाटक के नाटककार कौन है? गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा साहब। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती मानी जाती है और इसके लेखक जो हैं किशोरी लाल गोस्वामी हैं। देखिए हिंदी की जो भी प्रथम चीज होती है, हिंदी की कहानी, मौलिक कहानी, कौन सा एकांकी था प्रथम, कौन सा दलित उपन्यास पहला था, कौन सी पहली लेखिका थी, इसके लिए हमारी अगली वीडियो आने वाली है। तो आप वहाँ से हिंदी में जो भी प्रथम चीज़ें हैं, हिंदी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था आदि वगैरह, तो ये सब चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी एक साथ, ठीक है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, इस वीडियो के कुछ दिन बाद तो उस वीडियो को बना के डाल दिया जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। इंदुमती कहानी को 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। तो इंदुमती कहानी से आप ये दो बातें याद रखेंगे कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो इंदुमती है। लिखा किसने था, किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा था। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है, सुदर्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है, शिव मूर्ति, डायरेक्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी, तो प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कफन थी। अब देखो यहाँ पे प्रेमचंद जी की पूस की रात है और इस कहानी का एक पात्र था झबरा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर प्रेमचंद की सोजे वतन रचना अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। अंग्रेज ये सोचे कि भाई ये बुक जो है मार्केट में रहेगी तो दंगा और हो जाएगा, इसलिए इस बुक को बैन कर दिया गया था, सोजे वतन को, इसको याद रखिएगा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है, मतलब ये फीमेल, तो इसका आंसर हो जाएगा बंग महिला। और ये बंग महिला का जो है पूरा नाम था राजेंद्र बाला घोष। अगर तो आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो आप 100% आप सोचेंगे राजेंद्र मतलब कोई लड़का होगा, है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा। किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी बोलते हैं, मराठी भाषा में बोला जाता है क्या कादंबरी, किसको, उपन्यास को। लाल टीन की छत के लेखक कौन है, निर्मल वर्मा है, बहुत अच्छे लेखक हैं ये। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा होता है, मैलाचल है। आंचलिक उपन्यास का मतलब आप समझते होंगे, कोई भी भाषा अपने लोकल स्तर की भाषा आप सीधे ऐसे समझिए, ठीक है। आवारा मसीहा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी से संबंधित है और इसके लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर है। तो देखिए इसके सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, दो क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं कि आवारा मसीहा जो है वो किसकी जीवनी है, तो शरद चंद्र जी की जीवनी है, और आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो वो विष्णु प्रभाकर है, ठीक है। वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु के लेखक कौन है, आचार्य चतुर सेन शास्त्री हैं। आधा गांव के लेखक कौन है, तो रही मासूम रजा हैं। अब देखिए ये जो अच्छा क्वेश्चन है और इसे याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर लिखी गई जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, जैसे भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है तमस, जैसे कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला है, रही मासूम रजा द्वारा लिखी लिखी गई पुस्तक है आधा गांव, कमलेश्वर द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है कितने पाकिस्तान, इसे भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है, यशपाल द्वारा रचित जो पुस्तक है उपन्यास है झूठा सच, ठीक है। ये चार पुस्तक है और चारों को याद रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन है पात्र वाला, रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं सूरदास, और रंगभूमि उपन्यास लिखा किसने है, तो प्रेमचंद ने लिखा है ना। बाण भट्ट की आत्मकथा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखी है। अगर आपका एग्जाम 10 सेट में हो रहा है ना, कोई भी एग्जाम है, यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर 10 सेट में एग्जाम हो रहा है ना, तो ये जितने भी क्वेश्चन है इस यहाँ पे 250 के आसपास आई थिंक क्वेश्चन है इसमें, तो जितने भी आपके एग्जाम हैं होंगे, जिसमें भी 5 सेट, 10 सेट, 12 सेट, 15 सेट में 5-10 दिन एग्जाम चलता है, ठीक है, ये उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। काला जल उपन्यास के लेखक कौन है, शानी है, कन्फ्यूज नहीं होना है शानी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला उपन्यास किसे मानते हैं, तो परीक्षा गुरु को मानते हैं, और परीक्षा गुरु के राइटर का क्या नाम है, लाला श्रीनिवास दास, है ना। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉक्टर श्री कृष्ण लाल मानते हैं। ये अगर सिर्फ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि डॉक्टर श्री कृष्ण लाल हिंदी का पहला उपन्यास किसे मानते हैं, तो ही आपको ये चंद्रकांता को लगाना है, नहीं तो जर्नल जो माना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही माना जाता है, तो आप परीक्षा गुरु पे मानेंगे, है ना, परीक्षा गुरु पे आप टिक मार के आएंगे।
हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, यहाँ पे ऐतिहासिक सब जुड़ जुड़ गया है ना। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? हृदय हाजड़ी, और इसके भी लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। ये इम्पोर्टेंट है। जीनी जीनी पीनी चददिया के उपन्यासकार कौन है? अब्दुल बिस्मिल्ला। और यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है कि इसमें बुनकरों के जीवन का संघर्ष बताया गया है, उसमें पूछ लेगा कि इस उपन्यास में क्या बताया गया है, तो उसमें आप ये बताएंगे। उसमें ऑप्शन दिया होगा कि बुनकरों के जीवन का संघर्ष बताया गया है। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर है। अच्छा क्वेश्चन है। यादों की बारात, जोश बंग, मलिहाबादी की आत्मकथा है ना, इसे याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम तरुण के स्वप्न है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र, रेखा चित्र मतलब जैसे एकांकी नाटक होता है वैसे ये भी एक विधा होती है, ठीक है। तो रेखा चित्र, रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा है? देवेन सत्यार्थी ने लिखा है। अब ये रिपोर्टाज वाला जो है, 3, 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला लक्ष्मीपुरा था, उसे याद रखिएगा, वो हिंदी के प्रथम वाला जो वीडियो बनेगी उसमें आ जाएगा। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? रंगे राघव हैं। और प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। ये तीनों इंपॉर्टेंट रिपोर्टाज है, इसे याद रखिएगा। और अग्नि साहब का दो यात्रा वृतांत है, अरे यायावर, रहेगा याद, और एक बूंद सहसा उछली। ये दोनों यात्रा वृतांत अग्नि साहब का जो है इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आचार्य आनंद वर्धन है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य भरत मुनि है। रस चैप्टर में आप पढ़ते होंगे, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो 10 बताई है, ठीक है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो बहुवचन है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका वर्गात है। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र प्रजाहितैषी है। ये क्वेश्चन चुप्पे से पूछ देता है। आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो शिव प्रसाद गुप्त है। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो अहमदाबाद से हुआ था। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो उदंत मातंड है, साप्ताहिक प्रकाशित होता था, और इसके जो संपादक थे वो बाबू युगल किशोर थे। नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है? जगदीश गुप्त थे, और इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ। देखिए ये प्रकाशन भी याद रखना है, सिर्फ आपको ये नहीं याद रखना है कि इसका संपादन किसने किया है। अब जैसे उदंत मातंड है तो इसका संपादन बाबू युगल किशोर ने किया है, तो इसको आपको ये भी याद रखना है। और इसमें प्रकाशन कहाँ से हुआ है नई कविता का, तो इसका प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ है। कभी कभी प्रकाशन भी पूछ देता है ना। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो इसके जो संपादक थे वो प्रताप नारायण मिश्र थे। भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन है? बाबू मुकुल गुप्त थे, है ना। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एकदम आ जाता है, और इसके बारे में भी अपना एक वीडियो आने वाला है, इसके बारे में डीपली वीडियो आने वाला है। तो क्वेश्चन फिलहाल यहाँ देखते हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, ये गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग से संबंधित है या किस मंत्रालय से संबंधित है। उसमें 3-4 ऑप्शंस दे देगा कि गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो आपको जो है वो टिक मारना है, वो गृह मंत्रालय पे मारना है। हाँ, अभी देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो हरि प्रसाद द्विवेदी है। कालाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम था? अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आप पढ़े नहीं है ना तो गारंटी आप गलत मारेंगे। कालाधर जो है वो आरंभिक उपनाम था जयशंकर प्रसाद का। एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा माखन लाल चतुर्वेदी का उपनाम था, है ना, इसे याद रखिएगा। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये कथन कुब्बन दास का है, ठीक है, कुब्बन दास। रीतिकालीन कवियों में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है। ये तो एकदम वो वाला क्वेश्चन है कि एकदम कंफर्म रहता है कि किसी ना किसी सेट में आ नहीं आना है।
हिंदुस्तानी अकेडमी के संस्थापक कौन है? तो हिंदुस्तानी अकेडमी के संस्थापक हैं सर विलियम्स मैरिस, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1927 में हुआ था। ठीक है, तो ये रहे वीडियोस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। तो अगली वीडियो जो आएगी वो हिंदी में प्रथम की आएगी, जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं हिंदी में प्रथम, हिंदी के प्रथम कवि ये वो नाटककार उपन्यासकार, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी उपनाम वाली, जो उपनाम वगैरह होते हैं कि अब जैसे जातीय कवि किसका उपनाम था, तो तुलसीदास जी का था, है ना। तो ऐसे उपनाम वाले वीडियो आ जाते हैं, उससे मतलब ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब वो UPSI हुआ या कांस्टेबल हुआ, अब तो फायरमैन में भी पूरा हिंदी साहित्य एकदम अच्छे लेवल का पूछ रहा है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।